हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रॉब्लम सेट 52। पिक्टोग्राफ जो हमने देखा था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको फर्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, स्टॉक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन स्टोर इन अ वेयर हाउस आर एज गिवन बिलो, मेक अ पिक्टोग्राफ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। कि यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है जिसमें नंबर्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, मतलब पिक्चर्स निकालने हैं, जिसमें आपको ग्रेन एंड सैक्स दिया है। तो ग्रेन दिए आपको राइस, व्हीट, बाजरा एंड जोवर के, और नंबर्स दिए राइस के कितने सैक्स है 40 है, व्हीट के कितने हैं 56 एंड बाजरा के है 8 सैक्स एंड ज्वार के है 32। तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोग्राफ में। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले तो आपको स्केल डिसाइड करना है। तो स्केल कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको नंबर्स देखने हैं। तो नंबर्स कौन से दिए थे आपको, 40, 56, 8, 32। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो आपको समझ में आएगा 40, उसके बाद 56, 8 एंड 32। तो अगर ये नंबर आप देखोगे तो आपको देखना है कि ये सारे नंबर्स कौन से टेबल में आते हैं। तो कौन से टेबल में आता है 40, 56, 8 एंड 32, तो 8 के टेबल में आते हैं। जैसे कि 8 फाइव ज़ा 40, 8 सेवन ज़ा 56, 8 वन ज़ा 8, 8 फोर ज़ा 32, तो 8 के टेबल में आते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल को वन पिक्चर इज इक्वल टू 8 सेक्स, 8 के टेबल में आते हैं तो इसीलिए वन पिक्चर कंसिडर करेंगे 8 सेक्स की। अगर एक पिक्चर निकालते हैं तो उसका मीनिंग है कि ये 8 सेक्स है, क्योंकि 56, 40 इतने सेक्स का पिक्चर तो हम नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, एक स्केल डिसाइड करना होता है कि अगर एक पिक्चर हम निकालते हैं कि इस तरीके से अगर एक सेक निकालते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि ये कितने सेक्स है, 8 सेक्स है। इस तरीके से हमें स्केल डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके के पिक्चर निकाले हैं, आपको अगर आता है तो ऐसे निकाले, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या फिर जैसे कि आपके बुक में दिया है स्टार्टिंग में कि स्माइली फेस, तो वो भी आप निकाल सकते हो। जिससे क्या होगा, एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आपका टाइम भी बच जाएगा, ड्राइंग करने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि नंबर्स देख के आपको देखना क्या है कि ये सारे नंबर कौन से टेबल में आते हैं। तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे स्केल डिसाइड करोगे। तो देखिए आप, अब यहाँ पे क्या दिया है, राइस। तो राइस के लिए हमें 40 सैक्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे कि वन पिक्चर मीन्स क्या, 8 सैक्स, तो 8 फाइव जा 40, तो कितने पिक्चर्स निकालेंगे हम, 5, 1 2 3 4 5 पिक्चर्स निकाले। इसका मीनिंग क्या है, ये कितने सैक्स है, 40 सैक्स है। उसके बाद 56 दिया है, तो कितने आएंगे देखिए, 8 सेवन जा, स्केल क्या है हमारा 8 सैक्स, तो 8 सेवन जा 56 आएगा। तो कितने सैक्स निकालेंगे हम, 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद बाजरा के लिए दिए हैं 8 सैक्स, तो वन पिक्चर मीन्स 8 सैक्स है, तो हमें यहाँ पे वन ही पिक्चर निकालना है, क्योंकि ये कितने सैक्स आएंगे, 8। बाजरा के 80 सैक्स निकालने तो कितना पिक्चर आएगा, वन पिक्चर। उसके बाद ज्वार के दिए हमें 32, तो 8 फोर जा 32 होता है, वन पिक्चर मीन्स 8 सैक्स, तो 8 फोर जा 32 होता है, तो कितने पिक्चर्स निकालेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो देखिए काफी इजी है, सिर्फ आपको समझना क्या है, नंबर्स देखिए, टेबल देखिए कौन सा आता है, और उसी हिसाब से स्केल को डिसाइड कीजिए, और ड्राइंग फिर आपको जो भी इजी आएगा वही ड्राइंग आपको करना है, जिससे आपका टाइम ज्यादा नहीं जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इन वडगांव इज गिवन बिलो, मेक अ पिक्टोग्राफ फॉर दिस डाटा। कि वडगांव जो है वहाँ के जो व्हीकल्स है उनका इन्फॉर्मेशन आपको दिया है यहाँ पे, उसे पिक्टोग्राफ में दिखाना है। तो टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में आपको दिए है बाइसिकल, जो कि 84 नंबर है, मीन्स 84 बाइसिकल उस गांव में है। ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स जो है वो है 60, फोर व्हीलर्स जैसे कि कार्स, जीप्स, जो फोर व्हीलर्स होते हैं वो है 24। हेवी व्हीकल्स मीन्स जैसे कि ट्रक है, बस है, तो कितने हैं, 12 है, एंड ट्रैक्टर्स है वहाँ पे 24। तो इसे हमें पिक्टोग्राफ में दिखाना है कि पिक्चर्स निकालने हैं, तो इस तरीके से हमें बनाना होगा ये पिक्टोग्राफ का टेबल पूरा। तो देखिए टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दिए हैं एंड यहाँ पे दिया है नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपको नंबर्स देखने हैं। तो नंबर्स कितने दिए आपको, 84, 84, 60, 24, 12 एंड 24। तो नंबर्स देखने के बाद आपको समझ में आएगा ये सारे नंबर्स जो है 12 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल डिसाइड करेंगे, वन पिक्चर इज इक्वल टू 12 व्हीकल्स। तो पिक्चर यहाँ पे मैंने ट्रायंगल का लिया, आप सर्कल लीजिए, स्माइली लीजिए, स्क्वायर लीजिए, जो आपको इजी लगेगा। तो मैंने लिया है वन ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 व्हीकल्स, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए बाइसिकल जो है कितने दिए हमें, बाइसिकल 84,
तो यहाँ पे कितना हमने वन ट्रायंगल के लिए 12 किया है, तो यहाँ पे कितने आएंगे हमारे 7, क्योंकि 12 7 जा 84 होगा। तो 7 ट्रायंगल्स निकाले हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं कि 84 को 12 से डिवाइड कीजिए और फिर जो नंबर आएगा उतने पिक्चर्स हमें निकालने हैं। ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स के लिए आपको नंबर दिया है 60, तो 60 के लिए हम क्या करेंगे, 12 5 जा 60 होगा। तो कितने यहाँ पे निकालेंगे पिक्चर्स, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद फोर व्हीलर्स कितने दिए हैं हमें, 24 दिए हैं। तो 12 से 24 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा नंबर, 2 आएगा। 12 2 जा 24, तो 1 2 2 ट्रायंगल्स निकाले हैं यहाँ पे। उसके बाद हेवी व्हीकल्स के लिए दिया है 12, तो 12 तो 1 ही आएगा सिर्फ पिक्चर, 1 पिक्चर मीन्स 12 व्हीकल्स, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ट्रायंगल निकाला है। उसके बाद ट्रैक्टर्स दिए आपको 24, तो अगेन यहाँ पे कितने पिक्चर्स आएंगे, 1 एंड 2। काफी इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थर्ड वन आपको दिया है, द नंबर्स ऑफ द वेरियस बुक्स केप्ट इन अ कबर्ड इन द स्कूल लाइब्रेरी आर गिवन बिलो, मेक अ पिक्टोग्राफ शोइंग द इंफॉर्मेशन गिवन। कि स्कूल के लाइब्रेरी में जो बुक्स रखे हुए हैं उनके हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है टेबल में, कि टाइप्स ऑफ बुक्स है, जैसे कि साइंस के बुक है, स्पोर्ट्स के, पोएट्री लिटरेचर एंड हिस्ट्री के बुक्स है, और उनके नंबर यहाँ पे दिए हैं। इनको हमें शो करना है हमारे पिक्टोग्राफ में। तो यहाँ पे हम नंबर देखेंगे, 28 14 21 35 7। तो हमें ध्यान से देखना कि ये सारे नंबर कौन से टेबल में आते हैं। तो 7 के टेबल में आते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आएगा, 7 5 जा 35 आएगा, 7 3 जा 21 आएगा, 7 4 जा 28, कि ये सारे जो नंबर है 7 के टेबल में आते हैं। तो हम स्केल कैसे लेंगे, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स। यहाँ पे मैंने स्केल लिया सबसे पहले, तो 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स, और पिक्चर मैंने निकाला है इस तरीके से बुक के जैसे, तो 1 पिक्चर इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 बुक्स। कि 7 बुक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरीके का पिक्चर निकालेंगे। अगेन आपको जो पिक्चर सही लगेगा, जो इजी लगेगा, उसे आपको ड्रॉ करना है। तो साइंस के बुक हमें कितने दिए हैं, 28, तो 7 4 जा 28 होता है। आप नंबर जो रहेगा उसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 आएगा। तो पिक्चर हम कितने निकालेंगे, 4, 1 2 3 4। उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए हमें दिए है 14, स्पोर्ट्स के 14 बुक्स है, तो 7 2 जा 14 होगा, तो 1 2 पिक्चर्स निकाले हैं। पोएट्री के बुक हमें दिए है 21, तो 7 3 जा 21 होगा, तो पिक्चर्स निकाले हैं 3, 1 2 एंड 3। उसके बाद लिटरेचर के बुक दिए हमें 35, 7 5 जा 35, तो कितने पिक्चर्स आएंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। देन हिस्ट्री के बुक्स दिए हमें 7, तो 7 के लिए 1 ही पिक्चर निकालेंगे, क्योंकि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बुक निकालेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा पिक्टोग्राफ का जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी ईजी है, सिर्फ पहले नंबर देखिए कौन से टेबल में आता है वो देखिए, और उसी हिसाब से स्केल को डिसाइड कीजिए, और पिक्चर जो है फिर ईजी निकालिए, जो भी स्क्वेयर हो, ट्राइंगल हो, या फिर स्माइली अगर आपको अच्छा लगेगा, जो इजीली ड्रॉ हो सकता है, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, ऐसे ही आपको ड्राइंग निकालने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।